हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टैट्स पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और ये चल रही है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लासेस, जहां हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली सीख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर। इसकी हेल्प से हम अपने पाथ्स के अंदर टर्न्स एंड ट्विस्ट्स बना सकते हैं। इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एकदम परफेक्ट हो सकते हो। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पेन टूल हमको मिल जाता है हमारे टूल बार के अंदर कुछ इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, चाहो तो आप इसको शॉर्टकट की से भी एक्टिवेट कर सकते हो। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से पी बटन को दबाना है तो भी आपका पेन टूल एक्टिवेट होकर के आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर हम पेन टूल से किस तरीके के पाथ बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये जो फाइल अभी आप देख पा रहे हो मेरे पास में, ये फाइल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चाहो तो आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके आप भी इसी सेम फाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक ओपन पाथ। ओपन पाथ क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पाथ हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अगर हमको इस तरह के पाथ बनाने हैं तो हम अपने पेन टूल से कैसे बनाते हैं। सिंपली देखिए, आपको जहाँ से अपने पाथ को शुरू करना है आपको सिंगल वहाँ पे एक क्लिक करना होता है और उसके बाद में अगेन आपको देखिए यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देता है। ये प्रीव्यू आपको ये बता रहा है कि अगर आप कहीं जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से वहाँ तक आपका ये पाथ बन करके आएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपको गाइड करने के लिए कि आखिर आप पाथ प्रॉपर तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या है कि मुझे एक पाथ यहाँ पर चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है आगे के लिए, और अगेन हम यहाँ पे एक और क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर फिल होकर के आ रहा है। हो सकता है कि आपके में भी ऐसा आए और आपको ये नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड से बैक स्लैश बटन को दबाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो फिल कलर था वो नन हो जाएगा। ठीक है, और अभी भी देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पेन टूल है वो हमारे नोट से कनेक्टेड है। अब चूंकि हमको इसमें आगे शेप तो बनाना नहीं है, हमको सिर्फ यहीं तक की अपना शेप बनाना था और मुझे ये लाइन अब आगे नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस कर दीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए। दोनों में से आप कोई भी कर दीजिए, मैं यहाँ पर करता हूँ एस्केप बटन पर क्लिक। तो देखिए आपका यहाँ पर पाथ जो था वो एंड हो गया है। अब अगर आपको इसकी जो स्ट्रोक है वो मोटी पतली करनी है तो वो इजीली आप अपने सिस्टम में जो स्ट्रोक ऑप्शन है वहाँ से कर सकते हो। खैर, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ स्ट्रोक का पैनल। मैं स्ट्रोक पे गया और यहाँ से हम अपनी जो स्ट्रोक की लाइन है वो मैं हल्की सी मोटी कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे डैश नहीं चाहिए और इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल ओपन पाथ बन करके आ गया। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लोज पाथ बनाने के लिए। क्लोज पाथ क्या होते हैं, जिसके चारों ओर हमें बाउंड्री मिलती है और उसके अंदर हम अपने कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें चारों ओर हमको स्ट्रोक मिल रहा है और उसके अंदर हमने कलर फिल किया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस है, हम अपने पेन टूल पर जाएंगे और नोड को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमको जहाँ से जहाँ तक नोड बनानी है हम सिंपली अपना जो कर्सर है उस तरीके से बनाएंगे और जो हमारा एंड पॉइंट होगा उस एंड पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे अपने स्टार्ट पॉइंट से। तो हमारा जो शेप है वो एक क्लोज शेप बन करके आ जाएगा और अब हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। सिंपली अपने कलर पैलेट पे जाइए या अपने कलर पैनल पे जाइए और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले शेप को समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा शेप दिया है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं और साथ ही साथ अगर हमको उसमें 45 डिग्री का भी एंगल दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमको 45 डिग्री का एंगल भी मिल रहा है। तो अगर कोई डिज़ाइन ऐसी आती है जहाँ पर हमको इस तरह का अगर कोई शेप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वहाँ पे हम अपने मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली की है वो है शिफ्ट बटन। ठीक है, हम टोटल इसमें तीन मॉडिफायर्स इस्तेमाल करते हैं,
शिफ्ट की को, कंट्रोल की को और ऑल्ट की को, तीनों की को हम लोग एक करके समझेंगे। तो जो हमारा शिफ्ट बटन होता है वो बेसिकली हमको 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पर एंगल मेंटेन करने की सुविधा देता है। तो सिंपली हमको अपने नोट पर क्लिक करना है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। और अब देखेंगे आप, तो देखिए हम अगर शिफ्ट बटन को नहीं दबाए हुए हैं तो देखिए हमारा जो कर्सर है वो किसी भी तरफ मूव हो रहा है और हमको ये फ्रीली हमको कहीं भी एक नोट बनाने की सुविधा दे रहा है। बट जैसे ही हम दबा देंगे शिफ्ट की को, तो आप देखिए अब हम क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही खींच सकते हैं, या फिर अगर मैं अपने माउस को मूव करूँ तो ये देखिए 45 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से देखिए हम सिर्फ 45 डिग्री के एंगल्स पे या फिर हम 90 डिग्री के एंगल्स पर ही अपने शेप को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सेकेंड क्लिक किया, मैंने शिफ्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं नीचे की तरफ आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 45 डिग्री के ऊपर भी शेप्स बना सकते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमको कर्व्स बनाने हों पेन टूल की मदद से तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम टोटल तीन तरीके के कर्व्स यहाँ पे बना सकते हैं। पहला है सिंगल कर्व, दूसरा है कॉन्टिन्यूस कर्व और तीसरा है 45 डिग्री कर्व। कर्व बनाना काफ़ी आसान है, बस एक छोटा सा मेक चेंज करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, एक कर्व बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हमको अपने पहला नोट पे क्लिक करना है जहाँ से हमको वो शेप स्टार्ट करना है, और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको यहाँ पे कुछ ऐसे हैंडल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दो हैंडल्स मिल रहे हैं, तो ये हैंडल्स हमारे जितने ही ज़्यादा दूर तक होंगे, जितने ही ज़्यादा बड़े होंगे, जो हमारा कर्व पाथ होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये हैंडल्स मैंने यहाँ तक बनाए हैं तो आप देख पाएंगे कि देखिए हमारा ये जो कर्व्ड है वो कुछ यहाँ तक बन करके आ रहा है, ठीक है। और ऐसे मैंने जहाँ तक मुझे बनाना है मैंने सेकेंड पॉइंट पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने फिर से अगेन अपना जो हैंडल है उसको धीरे धीरे बड़ा किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने शिफ्ट की को दबाया हुआ है, वो इसलिए अगर मैं शिफ्ट की को छोड़ दूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा शेप है वो आगे पीछे या दाएँ बाएँ हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट की को दबा के रखा हूँ ताकि जो हमारा हैंडल है बिल्कुल स्ट्रेट रहे और इस तरीके से हमको जहाँ तक शेप चाहिए मैं वहाँ पर ला करके अपनी क्लिक को रिलीज़ कर दूंगा। देखिए हमारा यहाँ पे शेप बन करके आ गया। अच्छा, यहाँ भी देखिए हमारा ये जो हाफ सर्कल बन करके आया है उसमें देखिए कलरफिल हो करके आ रहा है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली आप स्लैश बटन को दबा सकते हैं तो आपका जो कलर है वो हट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी देखिए नोट जुड़ा हुआ है, अगर हमको ये नहीं चाहिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने एस्केप बटन को दबाएंगे तो देखिए ये जो हमारा नोट था वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने सेकेंड कर्व के ऊपर जो कि है कॉन्टिन्यूस कर्व। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एक दूसरे से कर्व जुड़ा हुआ है, तो अगर हमें ऐसे बनाना हो तो भी हम सेम तरीके से ही बनाएंगे। हमने एक क्लिक किया और अपने नोट को जहाँ तक रखना है उतना हम बड़ा यहाँ पे बना लेंगे अपना हैंडल, और सेम तरीके से यहाँ पे दूसरी क्लिक और अगेन हमने यहाँ पे एक हैंडल बनाया हुआ है। और हमने देखिए क्लिक को रिलीज़ नहीं किया है, अगेन हमने क्लिक किया और फिर से हमने एक नया पाथ बना लिया। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते रहोगे आपका पाथ बनता चला जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कर्व। और अगला देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री कर्व। अगर हमको ये बनाना है तो फिर हमको किस मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शिफ्ट की का। सिंपली हम अपने नोट पर क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और देखिए ये हमारा यहाँ पे हैंडल आ रहा है। इस हैंडल को हम हल्का सा रोटेट करेंगे तो देखिए ये हमारा हैंडल 45 डिग्री पे आना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अपने हम क्या करेंगे, क्लिक को रिलीज़ करेंगे और हम यहाँ पे सेकेंड क्लिक को दबाएंगे और फिर से हम अपने शिफ्ट की को दबा करके अगेन एक हम यहाँ पे पाथ बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमको सेम पाथ को आगे कंटिन्यू रखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अगेन एक और क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे देखिए 45 डिग्री के ऊपर एक पाथ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर एक वेव जैसा पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आखिर इसमें हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम सीखने वाले हैं ब्रेकिंग पाथ के बारे में। अब ब्रेकिंग पाथ क्या होता है, जैसे कि आप इस शेप को थोड़ा सा गौर कीजिए तो आप देखिए कि यहाँ से एक कर्व्ड हमें मिला है यहाँ तक, ठीक है, और अगेन एक कर्व्ड जो आया है वो यहाँ तक आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे गौर कीजिए
तो यहाँ पे देखिए कर्व्ड नहीं जा रहा है, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे एक ब्रेकिंग पाथ बना हुआ है। तो ये अगर हमको ऐसा शेप बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको ये पार्ट मतलब बहुत ध्यान से देखना है और सीखना है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे बनाना हो तो फिर हम किस तरीके से बनाएंगे, हम पेन टूल को चूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे देखिए एक क्लिक किया और हमने इस तरीके से अपना हैंडल को रिलीज़ बड़ा किया और ये देखिए हमको यहाँ पे एक पाथ मिल रहा है। हमने सेकेंड नोट पे क्लिक किया और हमने कुछ इस तरीके से अगेन एक दूसरा पाथ बना लिया और उसके बाद देखिए हमको अभी भी देखिए ये पाथ कर्व्ड पाथ आ रहा है। हमने अगेन यहाँ पे क्लिक किया, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगेन हमने देखिए यहाँ पे एक पाथ बनाया। तो अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो आप देख पाएंगे कि इस पॉइंट पे देखिए आप कि ये हमारा देखिए पाथ प्रॉपर बन के अभी नहीं आया है। तो चूँकि अभी हम पाथ यहाँ पे बना रहे हैं तो अगर हमको पाथ बनाते समय ही अपने हैंडल को एडजस्ट करना होता है तो सिंपली हमें कीबोर्ड से दबाना होता है कंट्रोल बटन को। हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल की को दबाएंगे, और मैंने अपनी शिफ्ट बटन को रिलीज़ नहीं किया है, मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों साथ में दबाए रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे अपने पाथ को सही कर लिया है। ऐसे अगर मुझे इस पाथ को भी सही करना हो तो वो भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए नीचे की तरफ, तो अब अगर मैं अपने पाथ को आगे लेकर के जा रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसा कर्व्ड आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल्ट बटन के मॉडिफायर को। तो जैसे ही हम ऑल्ट बटन को दबाएंगे तो उसकी मदद से हम ये जो हमारा नीचे वाला हैंडल है इसको हम मूव कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और जैसे अब देखिए हमने अपने ऑल्ट बटन को हम रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पाथ का जो कर्व था वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। और उसके बाद में हम इस पॉइंट पे वापस से क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम देखिए अगेन यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पे क्लिक किया और अपने पाथ को यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया। तो ये देखिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक पाथ बन करके आ गया है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स पाथ बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए इस पाथ को हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पेन टूल ले लेते हैं और सबसे पहले हमने पॉइंट को यहाँ से शुरू किया और एक क्लिक हमने यहाँ पे किया और अपने पाथ को हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये पाथ देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस किया, पाथ को ब्रेक किया और देखिए हमको हैंडल कुछ इस तरीके से मिल रहा है। एक क्लिक हमने यहाँ पे किया और अगेन हमने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ किया, ठीक है। पाथ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पे अगेन ऑल्ट की प्रेस किया और फिर से हमने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ किया, ठीक है। हम यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस करके बार बार अपने पाथ को ब्रेक कर रहे हैं और अगला जो पाथ है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप लोगो बनाओगे तो वहाँ भी मान चलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे शेप पूरा ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको शेप बनाने के बाद भी कोई नोड ऐसा लगता है जो कि प्रॉपरली प्लेस नहीं है, जैसे कि मेरे देखिए यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, तो फिर आप अपने सिंपली यहाँ से जा करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हो और आप अपने नोड को चूज़ करके वापस से उसको एडजस्ट कर सकते हो जहाँ भी आपको उसको रखना हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने इस नोट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और फिर हमने इस नोट को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो आप चाहो तो बाद में भी अपने शेप में चेंजेस कर सकते हो सिंपली अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये देखिए ना कितने आसानी से हम जो है यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं शेप को बनाने के बाद में भी। आप चाहिए सिंपली अपना नोट चूज़ कीजिए और नोट को चूज़ करने के बाद में आप अपने हैंडल के ऊपर वापस से कंट्रोल पा जाओगे और आप वापस से अपने हिसाब से इस हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी इतनी चीज़ें। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास से कुछ नया सीखा होगा और आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा चैनल के, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप डिज़ाइनिंग।